नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटियाल। दुनिया भर में महामारी बन चुका कोरोना से हर कोई सहमा हुआ है। विश्व भर में कोरोना वाले से मरने वालों की संख्या 7,000 के पार हो गई है। अब तक कोरोना वायरस से 1,82,000 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ये आंकड़ा अब तक हम वर्ल्डोमीटर नाम की एक वेबसाइट के जरिए पहुँचा रहे हैं। चीन के बाहर कोरोना वायरस के सबसे बड़े पैमाने में अगर केसेस सामने आए हैं तो वो ईरान, स्पेन, दक्षिण कोरिया और इटली है। इटली में एक दिन में रिकॉर्ड 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। भारत में भी इस वायरस ने कई केस सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 129 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। मंगलवार यानी आज कोरोना वायरस के चलते देश में एक और मौत हुई है। अब तक भारत में 3 मौत हो चुकी हैं। मरने वाले की उम्र 64 बताई गई है। दुनिया भर में इस वायरस से मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा बताई गई है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों में से कितने लोगों की मौत हो रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट से ये बताया गया है कि शोधकर्ताओं की माने तो कोरोना से संक्रमित प्रति 1,000 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मौत होने की आशंका है। लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति की मौत होने या उसके बच जाना तमाम अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में संक्रमित व्यक्ति की उम्र, लिंग, उसका सामान्य स्वास्थ्य और वह जिस देश में रहता है या वहाँ का जो स्वास्थ्य तंत्र है वो भी शामिल है। वैसे कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद कितने लोगों की मौत होती है ये निकालना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में सिर्फ आशंका लगाई जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से ज़्यादातर मामले स्वास्थ्य तंत्र के नज़रों से ओझल रहते हैं, क्योंकि संक्रमित होने वाले लोगों के लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं, जिस वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अब ज़रा ये जान लीजिए कि इस वायरस से आम आदमी पर कितना खतरा है, यानी कि जो सबके जहन में सवाल है। कोरोना वायरस की वजह से बुज़ुर्गों, पहले से जो बीमार है वो, और जो पुरुष हैं, तमाम पुरुष हैं, उनके मरने का खतरा ज़्यादा बताया जा रहा है। चीन के 44,000 मामलों से पहले विश्लेषण में ये सामने आया है कि कोरोना वायरस से बुज़ुर्गों के मरने की दर मध्य वर्गों की जो उम्र के लोग हैं उनकी तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। 30 साल से कम उम्र के लोग के कोरोना वायरस से मरने की दर सबसे कम थी। ऐसे 4,500 मामलों में सिर्फ 8 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं पुरुष की मृत्यु दर महिलाओं की तुलना में ज़्यादा थी। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ एक आशंका लगाई गई है कि कोरोना वायरस से संक्रमित प्रति 1,000 व्यक्तियों में से सिर्फ 9 व्यक्तियों की मौत होती है। हालांकि जैसे जैसे ये आंकड़ा सामने बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आंकड़े सामने आएंगे, उसके बाद ही वैज्ञानिक स्पष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे कि कोरोना वायरस फैलने की स्थिति में सबसे ज़्यादा जोखिम किस तरह के लोग होंगे। उधर कोरोना से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी लोगों को एक सामान्य राय दी गई है। वो राय ये है कि आप हाथ धुलकर खांसते और छींकते हुए लोगों से दूर रहें, अपनी नाक, आंख और मुंह को छूने से बचकर अपने सांस लेने से जुड़े सभी वायरसों से स्वयं को बचा सकते हैं।